कल हमने बात किया था कि अगर इनिशियल्स सिग्नेचर में ओवरलैप होते हैं, तो कल का वीडियो नंबर 3 था और आज का है वीडियो नंबर 4। और आज हम लोग बात करने वाले क्या होता है अगर आपके फादर का इनिशियल और आपके सरनेम का इनिशियल ओवरलैप होते हैं। तो ठीक है, तो उसमें भी हम लोग कल की तरह ही तीन सिनारियोज पकड़ेंगे। सिनारियो नंबर 1, जहां पे आपका जो फादर का इनिशियल है उसका साइज छोटा है और सरनेम का जो इनिशियल उसका साइज बड़ा है। देखिए, जैसे कि हमने आप पहले लेक्चर में बात किया था, पहले वीडियो में बात किया था कि कोई भी सिग्नेचर की जब हम बात करते हैं उस समय पे फादर और मदर उनके जो इनिशियल्स, मतलब सरनेम का इनिशियल मदर का हो जाता है और फादर का इनिशियल यू एज अ फादर और आपके फादर, ये दोनों के लिए रहता है। अब अगर फादर का इनिशियल छोटा है और सरनेम का इनिशियल बड़ा है और सरनेम के इनिशियल के ऊपर फादर का इनिशियल जा रहा है, इस समय पे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो डोमिनेशन है वो मदर का ज्यादा है। मतलब ऐसे केस में क्या हो जाता है, ऐसी केस में मदर जो है वो डोमिनेटिंग हो जाती है और आपके जो फादर रहते हैं वो थोड़े से इमोशनल होते हैं। क्यों, आपको समझना पड़ेगा ये बात को कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो मदर का इनिशियल है वो फादर के इनिशियल के ऊपर आ रहा है। तो इनडायरेक्टली इसका कहना क्या है कि इस व्यक्ति के मन के ऊपर जो है इमोशंस का ज्यादा प्रभाव है, इमोशन ज्यादा डोमिनेंट है। ये चीज हो गई जहां पर हमने डिस्कस किया कि अगर सरनेम का इनिशियल बड़ा है और जो फादर का इनिशियल है वो छोटा है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पे फादर का इनिशियल बड़ा होगा और मदर का इनिशियल छोटा होगा, मतलब सरनेम का फर्स्ट लेटर का इनिशियल छोटा होगा, उस समय पे फादर जो है वो डोमिनेंट हो जाएंगे अपनी आपकी मॉम के ऊपर, आपके ऊपर, यू नो, और आपकी मम्मी जो है वो एज अ फादर बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगी। मतलब फादर अराउंड नहीं है एंड शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते समय उनका डोमिनेंस जो है वो बढ़ जाएगा। यहीं पे अगर दोनों की साइज, फादर के इनिशियल की साइज, सरनेम की इनिशियल की साइज, अगर इन दोनों की साइज सेम हो गई तो अगेन ये कन्फ्यूजन और ये कश्मकश और ये चैलेंज चालू हो जाएगा कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा अच्छा है। तो ये था इनिशियल्स ऑफ फादर एंड इनिशियल ऑफ सरनेम, इनका कॉम्बिनेशन। पहले केस में जहां पे फादर का इनिशियल छोटा है, सरनेम का इनिशियल बड़ा है और दोनों का ओवरलैप हो रहा है, मदर का डोमिनेंट स्वभाव रहेगा और फादर जो है वो बहुत इमोशनल रहेंगे, वो इमोशनल होके डिसीजन लेंगे। दूसरी केस में फादर का इनिशियल बड़ा है और मदर का छोटा है, तो मदर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगी, वो थोड़ा सा इमोशन उनमें कम हो जाएंगे और एक्शन ज्यादा चले जाएंगे। और तीसरा सिनेरियो जहां पे दोनों की साइज सेम है, यहां पे दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल और कश्मकश हमेशा चल रहेगा। तो ऐसे हम लोग कल हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपकी सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में फर्क है तो उसका मीनिंग क्या होता है, और ये जो डिफरेंस है हैंडराइटिंग और सिग्नेचर का, इसका रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टुमारो विल बी द डे 5 वेयर इन वी आर गोइंग टू शेयर अमेजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सिग्नेचर्स अगेन। इफ यू लाइक द वीडियो please do comment, share, and you know, make sure that this video has been watched by a lot of people, because I want all of you to know the graphology and help other people as well as help yourself. Thank you very much for watching.